और रही बात छोड़ा हुआ होने का, अगर हमारी बहू या छोड़ी हुई औरत है तो तुम्हारी बेटी के पास उसका छोड़ा हुआ पति है, समझी? चलो भावजिया। तुमको बोल रहा है अभी ना पानी शॉर्ट के ऊपर हो गया, तुमने जामाई बाबू को बोल के उन लोगों ने घर से बाहर किकबाओ। बस करो मम्मा तुम्हारा कमेंट्री, आज सब कुछ हुआ ना आपकी वजह से हुआ है। क्या जरूरत थी आपको रंजू को ताना मारने की? उस जवाब में अम्मा जी ने पता नहीं मुझे क्या क्या सुना दिया। चॉकलेट खाने से टेंशन कम नहीं होगा, आपके इस बड़ बोले नेचर की वजह से ना आज अम्मा जी ने हमें वो सब कुछ सुना जो हम दूसरों को सुनाते। आगे से बिना सोचे समझे अगर आपने मुंह खोला ना मम्मा तो मैं आपके मुंह में रसगुल्ला डाल के मुंह बंद कर दूंगी। लाली इतना सीरियस डिस्कशन में भी तुम रसगुल्ला का नाम लेते? हम ना अभी फ्रिज खोल के नहीं रसगुल्ला खा के आते हैं। मम्मी अम्मा जी आज आपने उनसे जो कुछ भी कहा ना उनको बहुत बुरा लगा होगा। तो उन्हें खुश करने के हिसाब से भी ना ही बोले थे। हाँ माँ जी लेकिन क्या जरूरत थी, हम आ गए तुम लोग? हाँ माँ आ गए। अच्छा तुम लोग जाओ हाथ मुंह धो के आ जाओ। अरे बहुरिया वो बुढ़ी गोरी को लगाम लगाने के चक्कर में हम तो पूछना ही भूल गए जिस काम से तुम गई थी हुआ कि नहीं? नहीं अम्मा जी, सेंटर के लिए जगह तो नहीं मिली लेकिन उम्मीद है मिल जाएगी। रुको हम गुड़वा से बात करते हैं, वो जगह का इंतजाम कर देगा। नहीं अम्मा जी आप उनसे कुछ नहीं कहेंगी, हमने कहा ना हम ढूंढ लेंगे जगह। एक चप्पल तुम्हारी टूट गई है तो दूसरी चप्पल लेने के लिए तुम 10 बार सोच रही हो, बिना पैसे के संदर कैसे चलाओगी? क्या हुआ माँ आपकी चप्पल कैसे टूट गई? नहीं वो बस ऐसे ही बनवा लेंगे। तो ठीक है तुम अपनी चप्पल बनवाओ और हम तुम्हारी सिलाई सेंटर की जगह का इंतजाम कर देते हैं। अम्मा जी हम इस घर में केवल आपको दिए वादे के कारण रह गए, अब हम और एहसान नहीं लेंगे उनसे। अरे बहुरिया इसमें एहसान वाली कौन सी बात है, हमारा कुटुआ बदल गया है, उसे हम सबकी फिक्र है, हम चलते हैं। अम्मा जी रुकिए। अरे नहीं ना हम कह रहे हैं अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। हाँ कल आदमी भेजकर उसका रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। कुटुआ बाद में बात करते हैं। अरे गुडुआ तू बहुरिया की टूटी चप्पल देख के उसको नई चप्पल दिलाना चाहता था ना, तो उसको नई चप्पल ना ही चाहिए, उसको नया काम चाहिए, वो अपना सिलाई सेंटर फिर से शुरू करना चाहती है। और ऑर्डर के लिए उसने बाजार में बात भी कर ली है पर उसको अपने सिलाई सेंटर चलाने के लिए जगह की जरूरत है, तो अगर तू मदद कर दे तो। अम्मा जी कहना रहने दीजिए हम जगह ढूंढ लेंगे। बहुरिया दुकान के लिए जगह ढूंढना तुम्हारे बस का नहीं है, ये मर्दों का काम है। लाली आप अगर जामाई बाबू ना उसको सिलाई सेंटर के लिए जगह दिया ना तो उसको किराया भी देना पड़ेगा। हम समझ रहा है ये लोग ना धीरे धीरे अपना असली रूप में आ रहा है, तुम जल्दी से कुछ करो लाली नहीं तो बाद में कुछ भी करने का समय नहीं रहेगा। बुडुआ तुम्हारी नजर में अगर कोई छोटी मोटी जगह हो तो फिर हमारी बहुरिया को बता देना, उसको मदद मिल जाएगी। हाँ
ठीक है अम्मा, हम भुवन से बात करके मोती झील में कोई दुकान दिखा देंगे। अब गुड्डू जी, मोती झील के पास की जगह तो बहुत महंगी है, वहां का किराया भी बहुत ज्यादा होगा। अम्मा जी ये सही कह रही है, हम मोती झील की दुकान का किराया नहीं भर पाएंगे, अपने लायक हम कोई छोटी मोटी दुकान देख लेंगे। हाँ ये भी ठीक है। गुडुआ तुम एक काम काहे नहीं करते, हम देखे हैं तेरे घर के पीछे एक पुरानी गैरेज है, वो बंद पड़ा है, हमारी बहुरिया उसको साफ करके उसमें अपना सेंटर चला लेगी। अरे चार मशीने की जगह ही तो चाहिए, और का अब देख, अगर कोठी के अंदर अपना सेंटर चलाएगी तो उसको बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा, किराया भी बच जाएगा। अम्मा जी नहीं, वो जगह हम नहीं दे सकते। वहां हमारी गाड़ी पार्क होने वाली है, हम नई गाड़ी खरीदने वाले हैं, और जब भी घर में पार्टी होती है तो हम सारा सामान वहीं रखते हैं, है ना मिश्रा जी? हाँ ठीक कह रही है अम्मा, वो जगह हम नहीं दे पाएंगे। हाँ लेकिन वो हमने घर के पीछे वो शोरूम ही तो है, वो तो दे सकते हैं। वो तो सालों से बंद पड़ा हुआ है और बिजनेस पे भी ठीक रहेगा वो। चाबी दे दीजिए अभी को। ठीक है अभी खुश अम्मा जी, आप जो चाहती थी वो हो गया, हमारी कोठी में आपको जगह भी मिल गई और आपको किराया भी नहीं देना पड़ेगा, अब तो आप खुश है ना? अम्मा जी जगह दिलवाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जब तक हमका कोई नया जगह नहीं मिल जाती हम इसी को इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन हाँ हम कोई भी जगह मुफ्त में नहीं लेंगे, जो भी इसका किराया बनता है हम वो देंगे। अरे भाई किराए विराए नहीं चाहिए हमें, बस इस घर को घर की तरह रखिएगा, रोज रोज का वकेड़ा हमको बिल्कुल पसंद नहीं, ना ही हो तो बेहतर होगा। कोई बात नहीं छोना बाबू, अगर आपको किराया देने का इतना ही शौक है तो हमारी बुनिया को दे देना, बेचारी गरीब है, उसके काम भी आ जाएंगे कुछ पैसे और आपका गिल्ट भी हट जाएगा। ये भी ठीक है, हमको किराया तो देना ही है, तो बुनिया को दे या तुम्हें दे हमको क्या फर्क पड़ता है, हमारी बहुरिया को तो सेंटर खोलने की जगह मिल गई, हमारे लिए यही बहुत है।